जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको ये फॉर्म कंप्यूटर से फिल करना है और कैसे मोबाइल से फिल करना है। ये जो मोबाइल वाली वीडियो है, इसमें मैंने नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है जिसमें कि जीएसए, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो, ये सभी पोस्ट आती है, तो इन पर कैसे अप्लाई करना है इसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को वाच करके नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर जो कि आप वाच कर रहे हो, इसमें मैं मेनली बताऊंगा कि कैसे आपको टीजीटी और पीआरटी की पोस्ट पर अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस यहां पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए गाइज, आप लोग यहां पर इसके बारे में जान लीजिए। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। ये सब जानकारी चेक करते हुए आप यहां पर आएंगे। और अगर आप मोबाइल वाली वीडियो यानी कि नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप जो अन्य किसी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर भी मेनली मैंने बेसिकली जो आपकी टीजीटी की पोस्ट है उस पर अप्लाई करके दिखाया है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पीआरटी की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आप यहां पर आएंगे और अगर आपको टीजीटी या पीआरटी की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, ये आपको वेरीफाई करने हैं और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहां पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो गाइस, सबसे पहले आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये नाम फिल करने के बाद में आप यहां पर जो आपके फादर का नेम है वो एंटर करेंगे और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद आप यहां पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में जो आपका मंथ है वो, और फिर जो आपका ईयर है वो भी आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है जेंडर, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। और फिर यहां पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे, तो हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए। लोकैलिटी आपकी क्या है, सब लोकैलिटी उसके बारे में देंगे। अगर आपकी कोई सब लोकैलिटी नहीं है एड्रेस के अकॉर्डिंग तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोकैलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। बेसिकली आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। इसके बाद आता है कंट्री, तो जो भी आपकी कंट्री है बेसिकली इंडिया है तो इंडिया आप सिलेक्ट करेंगे। और स्टेट यहां से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट के बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। अपना पिन कोड यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट का डाल देना है या फिर जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद ईमेल आईडी आप यहां पर एंटर करेंगे। ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना है, इसलिए गलत ईमेल आईडी नहीं भरिएगा। एंड जो ईमेल आईडी आपने यहां पर भरी है इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ये नंबर भी आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अभी ओटीपी जाएगा, इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। लैंडलाइन नंबर अगर आप कोई देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहां पर आते हैं आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में और पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं अपर लेटर यानी कि कैपिटल लेटर और लोअर लेटर एक कम से कम ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर नंबर भी कोई रहना चाहिए और इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मैंसन किए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, तो ये जो पासवर्ड आपने बनाया है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और फिर आप यहां पर उसका आंसर दे दीजिए। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का काम आपको जब तब पड़ेगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके पासवर्ड रिसेट करने का मौका मिलेगा। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइस, आपके सामने यहां पर रिव्यू पेज आ चुका है, आपको इन सभी जानकारी को चेक करनी है जो कि अभी आपने भरी है और फिर आप यहां से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको आपके नाम, फादर
नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करके वेरीफाई करना है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और पूरी तरीके से श्योर होकर के कि हाँ आपकी सभी जानकारी सही है, तब आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, बेसिकली आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी पिन फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आप क्लिक हियर टू गो होम, इस पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के आदिवासी थे, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सर्विस मैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, ये कोई भी मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान है कि परमानेंट मार्क होना चाहिए। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, जो भी सिक्योरिटी पिन आपके सामने सभी के वक्त अलग अलग होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आती है अप्लाई फॉर, तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पर अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी या फिर पीआरटी, तो जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आता है स्टेट एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, आप यहाँ पर सभी स्टेट में एक ही स्टेट रख सकते हैं अगर आप रखना चाहे, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जो सेकेंड स्टेट है उसमें अगर आप सेम स्टेट रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर अलग रखना चाहे तो आप वो भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो हमारी चॉइसेस है वो दे देते हैं। फोर्थ स्टेट में आप अगर सेम ही रखना चाहते तो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड अगर आप अलग रखना चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। अब आपसे पूछा कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, क्या आपको प्रोफिशिएंसी है हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर टीचिंग में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश की नॉलेज है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर दीजिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर की आपको नॉलेज है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आती है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आप यहाँ पर पास स्टेटस के ऊपर क्लिक करके पास सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है और इसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन दी गई है जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके बराबर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तीसरा है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, जो कि आपने 50% मार्क्स के साथ में कम से कम पास की, और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी नेम के अंदर ये दीजिए और फिर यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम के अंदर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट मोड, तो रिजल्ट मोड आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको आपके नंबर देने हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर दे रहा हूँ, एग्जांपल के लिए आपको आपके रियल टोटल नंबर यहाँ पर डालने हैं और जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से थे, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से फिल करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इनको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आता है सिक्योरिटी पिन, तो ये सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो आएगा केवीएस एम्प्लॉय डिटेल्स, जहाँ पर आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसके बाद है सीटैट पेपर डिटेल्स, तो यहाँ पर सीटैट इस पोस्ट पर प्राइमरी टीचर पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पर यस का ही ऑप्शन है, तो आप यस करेंगे और सीटैट क्वालिफाइंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर था जिसके अंदर आपने था, और फिर आप यहां पर जो आपका सीटैट का रोल नंबर है वो देंगे और सीटैट पेपर आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि जिनकी रियल इंफॉर्मेशन यहां पर सीटैट की नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये भी ध्यान दीजिए कि आपको सीटैट की इंफॉर्मेशन देनी ही है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब ये मैं आपको सीटैट का प्रोसेस बताया, इसके बाद में सिंपली आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसमें कि आपको फोटो एंड साइन, सिर्फ दो ही चीजें अपलोड करनी है, कोई
डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एंड आप फाइनल सबमिट के ऊपर पहुंचोगे। बट मैं आपको थोड़ा प्रीवियस लेकर के चलता हूं और जो यहां पर पोस्ट में मैंने अप्लाई किया है इसमें मैं आपको टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूं ताकि एक ही वीडियो में दोनों चीजें कवर हो जाए। अभी मैंने आपको प्राइमरी टीचर का बता दिया, अब मैंने यहां पर टीजीटी सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूं अगर इसमें कोई अतिरिक्त ऑप्शन आता है तो वो क्या रहेगा। तो इस तरह से आपको यहां पर जो सिक्योरिटी पिन है वो फिल करना है जैसा कि आपने किया है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल में यहां पर आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना है और फिर आप यहां पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है। कोर्स स्ट्रीम नेम यहां पर टीजीटी की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके विकल्प आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ये सेलेक्ट करेंगे एंड जहां से आपने जो क्वालिफिकेशन की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद यहां पर रिजल्ट मोड आपको सेम तरीके से सेलेक्ट करना है और टोटल मार्क्स यहां पर आपको अपने एंटर करने, या मैं आपको एग्जांपल के लिए टोटल नंबर फिल करके दिखा रहा हूं। अब जो नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहां पर फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से थे वो सब्जेक्ट आप यहां पर इस तरह से फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर आपको इनको फिल करके दिखा रहा हूं। ये फिल करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे बीएड क्वालिफिकेशन डिटेल, तो बीएड की भी यहां पर जानकारी आपको देनी है अगर आप टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो। आपको स्टेटस पास सेलेक्ट करना है, फिर कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहां पर आपको कोर्स स्ट्रीम में बीएड सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सेम इस तरह से ही, और फिर आप यहां पर इसमें रिजल्ट मोड आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और फिर उसमें आपको कितने नंबर आए थे वो आपको देने हैं। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल के लिए 100 नंबर आपको दिखा रहा हूं फिल करके, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी यहां पर आ जाएगी, सब्जेक्ट आप यहां पर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपने की है और फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने सेम तरीके से केवीएस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के सेक्शन में आया है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर आपको नो करना है। और फिर सीटेट की जानकारी आ चुकी है, तो सीटेट इस पर भी जरूरी है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और फिर सीटेट की इंफॉर्मेशन देंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताई है। ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके सामने सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें कि आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 10 से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहां पर आपको दोनों फाइल सिलेक्ट करके और अपलोड करके दिखाता हूं। तो यहां पर गाइस फोटो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप सिलेक्ट करने के बाद अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहां पर आ जाएगा और इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। इसके बाद में आप यहां पर सेम तरीके से सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है, तो आप यहां पर फोटो की फाइल अपने सिग्नेचर की सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन आप यहां पर भी क्या करेंगे अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके आपके फोटो को देखेंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी यहां पर अपलोड कर देंगे। और इसके बाद में गाइस यहां पर आपको जो सिक्योरिटी पिन है वो देखने को मिल जाएगा। इस सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है और फिल करने के बाद में यहां पर आप इसको फिल करके वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस करेंगे। इसके बाद में गाइस आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर बेसिकली आपके सामने फॉर्म का फाइनल रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहां पर इसको क्लोज करें और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है ये सभी आप यहां पर वेरीफाई कर ले। ये आपके पास अंतिम मौका है इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने का और चेंज करने का। आप यहां पर इस तरह से इनके ऊपर टिक करेंगे कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, अप्लाई फॉर, मदर नेम, कैटेगरी, एग्जेंशन डिटेल ये सभी वेरीफाई कर लिया है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहां पर क्लिक करके यस करना है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे तो आपको फीस जमा करनी होगी, उसी के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं, तो यहां पर आपके सामने आ चुका है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट। तो आप यहां पर देखेंगे आपके सामने जानकारी आ चुकी है। आप यहां पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ईमेल भी सेंड करा सकते हैं।